इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के महिपालपुर में होटल इम्प्रेस के बाहर फायरिंग की गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, दिल्ली के महिपालपुर में एक होटल के बाहर फायरिंग की गई है। गोली बरार के नाम से मालिक को धमकी मिली थी और इसी के बाद रात के 2 बजे के करीब होटल के बाहर फायरिंग भी हुई। ऐसे ही 1 साल पहले भी होटल के मालिक को धमकी मिली थी और उसके बाद अब ये दूसरी बार ये घटना सामने आई है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के महिपालपुर से, जहां होटल इम्प्रेस के बाहर फायरिंग की गई है। गोली बरार के नाम से पहले मालिक को धमकी मिली थी और इसी के बाद रात के 2 बजे होटल के बाहर फायरिंग की गई। 1 साल पहले भी होटल के मालिक को ऐसे ही धमकी मिली थी और फिलहाल इस मामले में जाँच में दिल्ली पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के महिपालपुर से, जहां होटल इम्प्रेस के बाहर फायरिंग हुई है। रात में 2 बजे करीब होटल के बाहर फायरिंग की गई। 1 साल पहले भी होटल के मालिक को गोली बरार से धमकी मिली थी और उसके बाद ये दूसरी बार ये घटना सामने आई है, जब उन्हें धमकी मिली और अब रात के 2 बजे उनके होटल पर फायरिंग की गई।